महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के मंगल घाट के पास गंगेश्वर महादेव 84 महादेवों में 42वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा भगवान नारायण के चरण कमल से निकलकर सुमेरु पर्वत पर आई। वहां से उसकी चार धाराएं हो गई। एक धारा मद्रांचल पर्वत से होकर सीता नाम से बहती हुई चैत्रथ वन से होकर अरुण सागर में गिरती है। दूसरी धारा गंधमादन पर्वत पर होकर अलकनंदा के नाम से नंदन वन से होती हुई शैलराज हिमालय पर आई। वहां शिवजी ने उसे जटाजूट में बांध लिया, परंतु राजा भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने उसे मुक्त कर दिया। तब वह अपने पति समुद्र के पास चली गई। एक बार वह समुद्र के साथ ब्रह्मलोक में एक उत्सव में भाग लेने गई। वहां पवन वेग से उनके वस्त्र ऊंचे हो गए, देवताओं ने मुख फेर लिया। राजऋषि महाभीष्ट निशंक होकर गंगा की ओर देखते रहे। तब ब्रह्मा ने राजऋषि को मृत्युलोक में गिरने का श्राप दे दिया। समुद्र को भी गंगा पर क्रोध आया और उसने गंगा को मनुष्य लोक में गिरने का श्राप दे दिया। गंगा घबरा गई। उसने कहा कि मुझ पर अकारण क्रोध करते हो, मैं पतिव्रता हूँ, हवा के वेग से मेरे वस्त्र उड़ गए थे। तब ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि गंगे तुम महाकाल वन में जाओ, वहाँ शिप्रा के दक्षिण भाग में एक उत्तम लिंग है, उसकी पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है। शिप्रा गंगा की सहेली है। तब गंगा महाकाल वन में आई। गंगा को आते देख शिप्रा अपना मार्ग बदल पूर्व वाहिनी होकर उसके गले मिली। उसने वहाँ स्थित लिंग की पूजा की। तब बाल खिल्ले आदि ऋषियों ने उसकी प्रशंसा की। समुद्र ने पुनः अंगीकार किया। तब गंगा अपनी एक कला से वहां स्थित होकर समुद्र के पास चली गई। इस लिंग को गंगेश्वर कहते हैं। गंगेश्वर के दर्शन से सब तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, धर्मान्य, फल्गु, पुष्कर, नैमिष, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, केदार, अमरेश्वर, चंद्रभागा, विपाशा, सरयू, देविका, कुहू, गोदावरी, सतलुज, बाहुदा, वेत्रवती आदि यहाँ एक कला से उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।